ओल्ड गैंग, तो ओल्ड गैंग मेरे लिए, सराज के लिए, तैयब के लिए, हम तीनों के लिए सिर्फ एक यूट्यूब ग्रुप ही है। ये एक यूट्यूब ग्रुप से काफ़ी बढ़कर है हम तीनों के लिए। मतलब आई मीन के आप लोग इसको एक यूट्यूब ग्रुप जैसे ही लेते होगे, लेकिन हम लोग इसको अपने यूट्यूब से भी हट के, अगर हम तीनों साथ हों हम लोग तब भी एक दूसरे को ओल्ड गैंग मानते हैं यूट्यूब से हट के, क्योंकि हम लोग का एक दोस्तों का ग्रुप है। और अगर ओल्ड गैंग इट्स अपब से ज़्यादा बना हो, तो पहले बना होता ना, तो हम लोग शायद इट्स अपब जैसा कोई चैनल भी नहीं बनाते हैं। लिटरली ओल्ड गैंग हमारे लिए इतना मीनिंगफुल है, लेकिन इट्स अपब पहले बना था, तो सिर्फ इस वजह से इट्स अपब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन इस वीडियो में मैं इट्स अपब की बात नहीं करूँगा, इस वीडियो में आप लोग को ओल्ड गैंग की कहानी सुनाऊँगा कि ओल्ड गैंग कैसे बना। तो ये बात है 2020 के शुरू की, जब ओल्ड गैंग बनने वाला था। तो मुबशर, आप लोग को इसकी पिक्चर यहाँ पर दिख जाएगी। तो वो ना थोड़ा सा इस वीडियोज़ वगैरह टाइप में थोड़ा सा इन्वॉल्व था, तो उसने हम लोग ऐसे डिस्कस किया कि यार हम स्कूल के इतने पुराने दोस्त हैं, हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, एक अच्छा सा चैनल बनाते हैं जिसमें हम सब दोस्त हैं, और उसके बाद फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो मैं और तैयब तो पहले से यूट्यूब कर रहे थे, तो मैं और तैयब तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे, और मैं और तैयब तो रेडी थे, लेकिन काम थोड़ा सा बढ़ जाना था, लेकिन मज़ा तो वही आना था। तो मैं और तैयब तो बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद फिर मैंने, तैयब ने, सिराज ने और शरियार ने और मुबशर ने, हम पांचों ने मिलके एक यूट्यूब ग्रुप बना लिया। उसका नाम हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, मतलब अलग अलग नाम हम लोग, मतलब ऐसे ही गैस कर रहे थे, स्कूल फ्रेंड्स, फ़नी वीडियोस, लेकिन मैंने हमेशा से एक नाम सोचा हुआ था कि किसी एक ग्रुप को दूंगा या ऐसी किसी भी चीज़ को दूंगा, ओल्ड गैंग। तो ओल्ड गैंग का मतलब क्या, मैं आप लोग को चलो ये भी बता दूँ, मतलब ओल्ड मतलब पुराना, और गैंग मतलब जो लोगों की होती है। तो एक तरह से इसकी मीनिंग सिर्फ यही हुई कि हम पुराने दोस्तों की गैंग, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोग 8-10 साल से दोस्त हैं, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। तो ओल्ड गैंग का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है। तो अब वो जब ग्रुप बना, तो उसके बाद उन्होंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसका नाम था गेट द थिंग। तो हम लोगों ने वो पहली वीडियो बनाई थी ओल्ड गैंग की, उसमें मैं होस्ट था, मुबशर, तैयब और सिराज लोग खेल लेते थे। यार उस वीडियो में ऑफ कैमरा था, वहाँ मौजूद था लेकिन ऑफ कैमरा था, क्योंकि उस वक्त यार प्रॉपरली ओल्ड गैंग में आया नहीं था इस वजह से। तो हम लोगों ने जब वो वीडियो शूट की, तो उसके एक हफ्ते बाद ही मुबशर के भाई की शादियाँ शुरू हुई, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम वगैरह भी बताया था, फेसबुक भी बताया था। उसके बाद एक हफ्ते हो गए, दो हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए, लेकिन मुबशर नहीं आया। और मतलब यार एक मेन मेंबर का टीम में होना ना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब हम सभी मेन थे, लेकिन अगर कोई एक मेंबर भी चला जाए ना, अगर किसी एमरजेंसी से जाए तो एक अलग बात है, लेकिन चलो एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, 5 हफ्ते के लिए चला जाए, तो लोग समझेंगे ये मेन मेंबर नहीं है, ये एक साइड मेंबर है, राइट। तो ये सीन हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मुबशर से बात की, तो मुबशर ने बोला यार मैं ओल्ड गैंग छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। हमने देखो यार ओल्ड गैंग एक ऐसा ग्रुप है कि हम लोगों ने किसी को आने के लिए फोर्स किया था कि भाई तू आ, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने किसी को आने के लिए भी फोर्स नहीं किया था। और अगर कोई जाना चाहता है तो हम उसे जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, भाई तू रुक, तू नहीं जा सकता ये वो, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे। हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उस कॉन्ट्रैक्ट पे ये हम लोगों ने ये कहीं नहीं लिखा जो आप लोगों ने, वो जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप लोग को अभी लास्ट टाइम दिखाया था हमारे ब्लॉग में, जो हम लोगों ने एक ब्लॉग बनाया था, पाए मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, हम लोगों ने जो ब्लॉग अभी बनाया था जिसमें हम लोग अपनी स्पोर्ट्स सीरीज़ की एंडिंग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसमें मैंने आप लोग को एक पुराना सा कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था। ये उसी दिन बना था स्कूल में, उसी दिन जिस दिन हम लोगों ने ये प्लान बनाया था, उसी दिन स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बना था हम लोगों ने, ऐसे ही रफली बनाया था कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन बना था। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने अभी बनाया, जिसमें सिर्फ मेरे तैयब को राज के साइन है, और अब किसी और के साइन इसमें नहीं आएंगे, हम तीन हैं और तीन ही रहेंगे, अब चार नहीं होंगे कभी भी, बस हम तीन ही रहेंगे। अगर हाँ कोई बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा मेंबर आ गया जो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके लिए हम पैशनेट है और कंसिस्टेंट रहना चाहता है यूट्यूब के लिए, तो फिर हम लोग उसको रख लेंगे, लेकिन वैसे हम लोग किसी को भी नहीं रखेंगे। खैर तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो था, हम लोगों ने उस पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि कोई बंदा छोड़ के नहीं आ सकता, उसमें सिर्फ उसी वक्त के रूल्स थे कि वीडियो शूट करनी होंगी ये वो, बस ऐसे ही हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो अगर जो छोड़ के जाना चाहता है, हमारी पूरी इजाज़त है भाई, इसको आप जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो वैसे ही उन्होंने मुबशर को भी फोर्स किया, तो उसके बाद फिर हम सिर्फ चार रह गए, हम लोग चार मतलब वीडियो बनाते रहे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने शरियार से मतलब मेरी सिर्फ
मेरी एक दफ़ा शैया से ऐसी लड़ाई हो गई, मतलब वो मैं आप लोग को नहीं बता सकता किस बात पे हुई, वो एक थोड़ा सा ऐसी पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरी और सिराज की आपस में ऐसी लड़ाई हो गई बहुत सारी शरियार की। तो वो लड़ाई होने के बाद शरियार ने मुझे खुद बोला कि भाई मैं उड़ गैंग छोड़ रहा हूँ, अगर दानियाल उड़ गैंग कर रहा है तो फिर मैं उड़ गैंग नहीं कर रहा। तो उसके बाद फिर सिराज ने बोल दिया कि भाई अब कोई भी नहीं आएगा उड़ गैंग, हम तीन हैं, हम तीन ही रहेंगे और कोई भी नहीं आएगा उड़ गैंग, बस हम तीनों ही वीडियोज़ बनाएंगे। उसके बाद से फिर अब आज तक हम तीनों ही वीडियोज़ बना रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे और इस ग्रुप को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमेशा रखें। और अगर हम लोग बड़े भी हो जाएंगे ना, हम लोग यूट्यूब करना भी छोड़ देंगे, लेकिन इतना मैं आप लोग को लिख के दे सकता हूँ कि हम तीनों इस ग्रुप के बारे में कभी भी नहीं भूलें, कुछ भी हो जाए हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर हम लोग को हल्का सा भी याद आ जाएगा ना, कोई नाम भी ले लेगा ओल्ड गैंग, तो हम लोग को याद आ जाएगा यार कि ओल्ड गैंग हमारा एक ग्रुप हुआ करता था। हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि मतलब हम लोग कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे, और ओल्ड गैंग क्या होता है, ओल्ड गैंग हम लोग कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे। इस ग्रुप से हम लोग को इतना लगाव हो गया, हम लोग कभी भी इसको नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी ओल्ड गैंग की, उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। तो बाय द वे कल से रमज़ान शुरू है, रमज़ान मुबारक आप लोग को एडवांस में, और इंशाल्लाह सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। Don't show me love if it ain't real, yeah. Just learn about what you like.